ज्यादा काम का टॉपिक है आईटी जेई में, और आईटी जेई में सिलेक्शन उसके बाद भी बहुत ज्यादा काम आता है। प्रोबेबिलिटी को अगर अपन थोड़ा सिंपल लफ्जों में अगर कहना चाहें तो प्रोबेबिलिटी को सिंपल एक और शब्द हो सकता है चांस। इस चैप्टर के अंदर कोई भी इवेंट के होने की चांस निकालेंगे अपन। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आइए थोड़ा ध्यान समझें। कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, कोई भी काम, उसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे डाइस का फेंकना, ताश के पत्ते, उनमें से एक पत्ता निकालना, कोई भी एनी वर्क दैट यू आर डूइंग विल बी नोन एज एक्सपेरिमेंट। और हर एक्सपेरिमेंट के कुछ ना कुछ आउटकम्स होंगे। जैसे सिक्का उछालेंगे तो दो आउटकम, भाई हेड और टेल। डाइस फेंकेंगे तो छह आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये कहलाता है सैंपल स्पेस। एक्चुअली इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम परिचित हो जाएं बस। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, सिक्का उछालना, लाइट के जलाने के लिए स्विच ऑन करना, कुछ भी कर रहे हैं पृथ्वी लोक पर, हम उसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में या मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ आउटकम होगा। सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड टेल आउटकम हो गया, डाइस देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आना आउटकम हो गया, ताश के पत्ते निकाल रहे हैं तो 52 पत्तों में से कोई आउटकम हो गया, स्विच ऑन कर रहे हैं पंखा चलाने के लिए तो दो आउटकम हो गए, ये तो पंखा चलेगा या पंखा नहीं चलेगा, एंड सो ऑन। किसी भी वर्क के एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम के सेट को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और एक और शब्द होता है इवेंट। इवेंट इज एनी थिंग रिलेटेड विद आउटकम्स। आउटकम से जुड़ी हुई किसी भी क्वांटिटी को हम कहेंगे इवेंट। जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस चैप्टर में किसी न किसी इवेंट के होने या किसी न किसी इवेंट के ना होने की चांस या प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखो जैसे मान लो डाइस फेंक रहे हैं तो एक डाइस के आउटकम कितने हैं? 6। लेकिन इवेंट करोड़ों हो सकते हैं। इवेंट इज एनीथिंग रिलेटेड टू आउटकम। जैसे मैं बोलू इवन नंबर का आना, वह भी एक इवेंट है। इवन प्राइम नंबर का आना, वह भी एक इवेंट है। ऑड नंबर का आना, वह भी एक इवेंट है। ऑड प्राइम नंबर का आना, वह भी एक इवेंट है। नंबर 5 से कम आए, वह भी एक इवेंट है। नंबर 4 से ज्यादा आए, वह भी एक इवेंट है। नंबर 2 से 4 के बीच में आए, वह भी एक इवेंट है। कुछ भी इवेंट होता है। इवेंट इज एनी थिंग दैट इज रिलेटेड विद आउटकम। और अगर इसको थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? इवेंट। इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मान लो अपन छोटा सा लें डाइस का, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। मैं बोलू इवन नंबर का आना तो 2 4 6। ऑड नंबर का आना 1 3 5। ऐसा नंबर आए जो 10 से बड़ा हो, नल सेट। नल सेट भी सबसेट है। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कॉल्ड एन इवेंट। क्या बात समझना? तीन शब्द अभी मैंने इंट्रोड्यूस किए, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट। ये तीन शब्द। और ये चैप्टर पूरी तरह कैलकुलेशन पर बेस्ड है। हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि यह इवेंट हो या इवेंट ना हो।
एक्सपेरिमेंट जो भी हमारे पास है बोर्ड पर ही देखते रहे, एक्सपेरिमेंट को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब में अपन करते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में आमतौर पर प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं होता। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक कहेंगे कि अगर कंडीशंस फिक्स हो, तरीका फिक्स हो, तो आउटकम फिक्स है। जैसे मान लो ब्राउन रिंग टेस्ट अपन कर रहे हैं, तो अगर अपने सारी चीजें ढंग से ली हैं तो हर बार ब्राउन ही रिंग बनेगी। ऐसा नहीं कि अरे आपकी बार गोल्डन रिंग बन गई, अरे आपकी बार ये वाली रिंग बन गई, ऐसा नहीं होगा। एवरी टाइम विल गेट अ ब्राउन रिंग। उस एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक कहेंगे जिनके अंदर अगर कंडीशन फिक्स और मेथड फिक्स, आउटकम फिक्स। इनकी स्टडी इस चैप्टर की डोमेन में नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होंगे जिनके अंदर अगर कंडीशन भी फिक्स, मेथड भी फिक्स, फिर भी आउटकम नॉट फिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, टेकिंग आउट अ कार्ड आउट ऑफ अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, तो ये सब कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यही है जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। क्यों भाई रैंडम में क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि आउटकम फिक्स नहीं है, आउटकम गेस करना पड़ेगा, पता नहीं क्या आउटकम आ जाए। हो सकता है आप पिछले 100 बार से डाइस फेंक रहे हो और 100 के 100 बार हर बार 1111111 ही आया हो, लेकिन तो भी 121 बार जरूरी नहीं माना जाए, कुछ भी आ सकता है। तो सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच द कंडीशन इज ऑल्सो फिक्स, मेथड इज ऑल्सो फिक्स, बट देन ऑल्सो आउटकम इज नॉट फिक्स्ड, इन दैट एक्सपेरिमेंट विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी कि यार क्या संभावना है कि अब की बार मैं डाइस फेंकूं तो इवन नंबर आ जाए, या क्या संभावना है कि अब की बार मैं डाइस फेंकूं तो ऑड नंबर आ जाए, एंड सो ऑन। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होगी। वी ओनली टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज द आउटकम इज नॉट फिक्स्ड, द आउटकम इज नॉट वेल नोन, द आउटकम इज नॉट एग्जैक्टली नोन। क्या समझ में आया बच्चों को? ये बेसिक भूमिका बन गई। अब स्वागत है, गुरु जी समझ गए एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है और कौन से एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। अब स्वागत है कि बात कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो रियल में प्रोबेबिलिटी की टोटल अगर देखोगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी की 8 अलग अलग डेफिनेशन है, जिनमें से आईटी के सिलेबस में केवल एक ही है और वो है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। केवल यही एकलौती डेफिनेशन है आईटी के सिलेबस में और हमको इसी को पढ़ना है, यही बहुत है एक्चुअली। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जीरोम कार्डन नाम के बच्चे ने दी थी। किसने दी थी? जीरोम कार्डन। एक मिनट लूंगा आपको उसकी स्टोरी बताने के लिए। जबरदस्त बच्चा था जीरोम कार्डन, जो था मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड था। तो ये बेचारा अपाहिजो की तरह सिर्फ बैठा रहता था व्हीलचेयर पे, अपनी दीदी के साथ रहता था। तो उसका काम था ऐसे खेल खेलना जो खुद से खेले जा सके और जिनमें दौड़ने भागने की जरूरत ना पड़े। डाइस फेंकना, लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, चाइनीज चक्कर खेलना, जो बैठे 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 खेले जा सकते हैं। तो जीरोम कार्डन की दीदी जो है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहती थी। तो काफी दिनों बाद जब जीरोम कार्डन 14-15 ईयर्स का था, तो उसने दीदी को बोला कि दीदी मैंने कुछ ऐसा बात सोची है जो कि आपने मुझे नहीं पढ़ाई है। फिर दीदी ने बोला बताओ। तो जीरोम कार्डन बोला आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं जो है हम उनके शहर में एक मैथमेटिशियन रहता था तो उसको बताऊंगा मैं। तो दो तीन दिन, तीन चार दिन जिद की, तो दीदी सिंपैथी बस ले गई कि खैर क्या है, चलो ठीक मिला देते हैं। तो उसने क्या कहता, उसने जो अपनी चीज थी उसको दो तीन कागज के पन्नों पर लिखी थी, 3-4 पेज की बुकलेट थी। तो उसने जाके उस मैथमेटिशियन को दे दिया, कोई भी अपने पास ऐसा पाई जाएगा। तो उसने मैथमेटिक बोला ओके ओके मैं पढ़ूंगा इसको और देखूंगा, और चला गया जीरोम कार्डन। फिर वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, मैथमेटिशियन ने भी उसको साइड में रख दिया, कहानी बढ़ गई। फिर जब मैथमेटिशियन और बहुत बड़ा हो गया तो उसको बड़ा घर मिल गया, तो घर शिफ्ट कर रहा था। तो घर शिफ्ट कर रहा था अराउंड जीरोम कार्डन, जब उसको चीज दी थी उसके 1.5 साल बाद की बात, 18-19 महीने बाद। तो घर शिफ्ट कर रहा था, तो जो आदमी घर शिफ्ट करवा रहा था उसने ऐसे पतले देखा, रे 3-4 पन्ने ऐसे पड़े हुए हैं। तो उसने वो पूछा कि सारे काम का है क्या, उसने सोचा कोई चीज लिखी हो भाई, मैथमेटिशियन आदमी कहां पर क्या लिख दे। तो उसने मैथमेटिशियन सोचा कि अरे कोई काम तो है नहीं, जरा देख लूं क्या लिखा उस बच्चे ने।
तो उसने उसके पन्ने पलटे तो उसने देखा कि यह एक ऐसी थ्योरी जो उस समय तक मैथमेटिक्स में नहीं थी और आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे बड़ी, जबरदस्त। आप आईटी में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत जबरदस्त चीजें पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो उसने देखा कि उसके अंदर लिखी हुई थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना कि जिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के आप लोग सवाल बनाओगे, जो आप लोग फिजिकली और मेंटली वेल इक्विप्ड हो, वो थ्योरी दी गई थी एक फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज व्यक्ति द्वारा, वो भी 14 ईयर्स की उम्र में, आपसे छोटा भी, मन में भी, बॉडीज का हर तरीके से। और उस थ्योरी को हमको समझना है एक्चुअली। फिर एक्चुअली वो मैथमेटिशियन गया जेरोम गार्डन के घर, लेकिन तब तक जेरोम गार्डन की डेथ हो चुकी थी एक्चुअली। तो भी उसके मैथमेटिशियन अच्छा था तो उसने उसी के नाम पर थ्योरी लिखी कि भाई उसके सम्मान में, तो इसलिए इसको जेरोम गार्डन। इसमें थ्योरी बताई, इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन के साथ आपके लिए चैलेंज भी है कि इस चैप्टर का एक भी सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने थ्योरी दी है वो व्यक्ति आपके सामने स्टैंड भी नहीं कर सकता था। और उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब सुनो क्या कहती है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाई इट इज नोन एज क्लासिकल। जब अपन क्लासिकल संगीत कहते हैं यानी पुराना, यानी सबसे पहली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पुरानी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब सुनो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, द ग्रेट जेरोम गार्डन लिखते हैं, इफ एनी एक्सपेरिमेंट हैज अ टोटल एन आउटकम्स, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके टोटल कुल मिला के एन आउटकम्स हैं। अरे टोटल कुल मिला के एन आउटकम्स हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन। सैंपल में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन। इफ एनी एक्सपेरिमेंट हैज टोटल एन आउटकम्स विच आर नंबर वन इक्वली लाइकली, ये सारे के सारे एन आउटकम्स इक्वली लाइकली है, यानी सबके होने का चांस सेम है, सबके होने की संभावना सेम है, कोई भी एक आउटकम दूसरे के ऊपर प्रिफर नहीं किया जा रहा। तो डाइस फेंक रहे हैं, टोटल 6 आउटकम है, लेकिन अभी मेरे हाथ में डाइस है और मैं फेंकने वाला हूं तो 1 आने की भी वही संभावना है जो कि 2 आने की, जो कि 3, 4, 5 या 6 आने की। इफ एनी एक्सपेरिमेंट हैज टोटल एन आउटकम्स एंड ऑल दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, सबके होने की संभावना सेम है। नंबर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि हां डाइस फेंकूंगा, टोटल 6 आउटकम है लेकिन आउटकम तो उनमें से केवल कोई एक ही आएगा। द वर्ड इक्वली लाइकली मीन्स ऑल आउटकम हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, ऑल आउटकम हैव द सेम चांस ऑफ अकरिंग। द वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इन वन ट्रायल ओनली वन आउटकम विल कम एज फाइनल रिजल्ट, इन वन थ्रो ऑफ अ डाइस यू विल गेट ओनली वन नंबर एज द फाइनल रिजल्ट, दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट का मतलब होना खाली हो जाना, थक जाना। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इन एन आउटकम्स के अलावा कोई और आउटकम नहीं आएगा, मतलब आपने गलती से कोई आउटकम छोड़ ना दिया हो। एग्जॉस्टिव का मतलब है यू हैव कंसिडर्ड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के एन आउटकम है और ये सारे के सारे आउटकम इक्वली लाइकली हैं, ये सारे के सारे आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये सारे के सारे आउटकम एग्जॉस्टिव है, इन सब के होने की संभावना सेम है, एक्सपेरिमेंट करने पर एग्जैक्टली एक ही आउटकम होगा और कोई भी आउटकम छोटा नहीं है। पता है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 10 आउटकम मान के और एक नया ही आउटकम निकल के आ गया, तो इसका मतलब आपने एग्जॉस्टिव नहीं किया। एंड आउट ऑफ दीज एन आउटकम्स एग्जैक्टली एम आउटकम्स फेवर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई, और इन एन आउटकम्स में से एग्जैक्टली एम आउटकम होने पर आपका इवेंट ई हो जाता है, देन प्रोबेबिलिटी
of happening of E is, इसको लिखते हैं favorable upon total, favorable upon total, बस समझ लो कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, इस चैप्टर में है ही इतना बस। टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं और इनमें से कितने हम क्यों फेवर करते हैं, ये छोटे घटिया घटिया एग्जांपल हवा में कर सकते हैं। डाइस फेंकूं तो क्या संभावना है कि इवन नंबर आए, टोटल आउटकम कितने हैं, छह, कितने आउटकम हमको फेवर करते हैं, तीन, तो इवन आने की संभावना 3/6 यानी 1/2। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसके टोटल एन आउटकम्स हैं और उन एन आउटकम्स में से एम आउटकम हमको फेवर करते हैं तो इवेंट के होने की संभावना होगी एम डिवाइडेड बाई एन। यहां पर तीन चार बहुत छोटी छोटी बातें जो अपने आप ही उभर के आ जाती हैं। एम जो होगा वो जीरो से एन के बीच में होगा, जीरो कब होगा, जब हो ही नहीं सकता, डाइस फेंकू और नंबर 10 से बड़ा आ जाए, वही नहीं होगा, तो एन से डिवाइड कर दें, एन से डिवाइड कर दें तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। 0 मतलब हो गया डेड इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट। क्या संभावना है कि इस क्लास में बैठे हर एक बच्चे का सिलेक्शन ITJEE 2019 में हो जाए, 100% श्योर इवेंट। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? जीरो मतलब डेड इवेंट, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, असंभव। क्या संभावना है कि इस क्लास में बैठा एक भी बच्चा आईटी जाने से रह जाए? जीरो, असंभव, सबके सब सिलेक्टेड। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? क्या ये क्लियर सब बच्चों को? क्या एक्सपेरिमेंट और ये नाम समझ में आए? क्या रैंडम साइंटिफिक समझ में आया? एंड जीरोम कार्डन अपाहिज बच्चों द्वारा दी गई डेफिनेशन हम लोगों के लिए खास बात नहीं है, पूरे चैप्टर में शायद ही कोई क्वेश्चन हम लोगों से अटके। कॉपी कर ले भाई, प्रोबेबिलिटी की बेसिक थ्योरी समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एक तरीके से खत्म सा हो गया है, थ्योरी ओवर सी हो गई है। आपको सिर्फ इकलौती चीज ध्यान रखनी है, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, बस कितने आउटकम होने से हमारा इवेंट होगा और टोटल कितने आउटकम आ रहे हैं, देयर रेशियो इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, 0 मतलब डेड इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट, जो होगा ही होगा। अच्छा, कोई भी आप इवेंट है, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज के न होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है आपसे बोला जाता है कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन उससे ज्यादा इजी होता है न होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो होने न होने में से जो इजी होता है हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और सम 1 के यूज कर लेंगे। क्या बात समझ में आई बच्चों को? कभी कभी इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नॉट फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल एम है तो नॉट फेवरेबल एन माइनस एम है, ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर दो तो एम बाई एन 1 - m/n, यानी होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन ना होने की प्रोबेबिलिटी। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है बच्चों नॉट फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई फेवरेबल आउटकम, यानी वही ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी। आप तो हर बार प्रोबेबिलिटी निकालें, आपसे ऑड्स इन फेवर पूछा जाए अकॉर्डिंगली जवाब दे दें, आपसे ऑड्स अगेंस्ट पूछा जाए अकॉर्डिंगली जवाब दे दें। इस पूरा का पूरा चैप्टर केवल दो ही चीजें कैलकुलेट करने पर बेस्ड है। आपको एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा, दो चीजें कैलकुलेट कर लें, फेवरेबल एंड टोटल। आओ छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं और चैप्टर को पूरा लेवल तक लेके जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, 5 oranges and 6 apples, ऑरेंज एप्पल आप लोगों को पसंद है, 5 oranges 6 apples
are arranged in a row. What is the probability that two extreme fruits are apples? पांच एप्पल और पांच ऑरेंज और छह एप्पल जमाया जा रहा है, एक रो में 11 फ्रूट जमाए जा रहे हैं। टोटल जमाने के तरीके 11 फैक्टोरियल, सिंपल है भाई। नेचुरल थिंग्स को डिफरेंट मानना है। पांचों ऑरेंज अलग अलग हैं, छह एप्पल अलग अलग हैं। क्या संभावना है कि दोनों कोने के फ्रूट एप्पल हो? ठीक है भाई, कोने के फ्रूट एप्पल करने हैं। टोटल जमाने के तरीके और ऊपर आएगा फेवरेबल जमाने के तरीके। चलो फेवरेबल जमाने के तरीके गिनो। कोने के फ्रूट एप्पल रखना है तो पहली जगह एप्पल रखने के छह तरीके। पहला एप्पल रख दिया, एक एप्पल चला गया, कितने एप्पल बचे? पांच। आखिरी में एप्पल रखने के पांच तरीके। दो एप्पल चले गए तो कितने एप्पल बचे? चार। पांच ऑरेंज और चार एप्पल, नौ। नौ चीजों के बीच की नौ जगह जमाने के तरीके 9 फैक्टोरियल। बस इसको, यही एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आंसर एक एक लाइन में आ जाएंगे और आप बस मन में बिठा लो द चैप्टर इज ओवर। फेवरेबल अपॉन टोटल, आपसे हर क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि ये इस चीज की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल होने की प्रोबेबिलिटी और ऊपर फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन कि टू नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। What is the probability that their sum is odd even? आइए बात करें पहले केस की, बात करते हैं। दो नेचुरल नंबर टोटल चुनने के तरीके 20C2। 20 नंबर में से दो नंबर चुनने के तरीके 20C2। अब तुम चाहते हो सम ऑड आ जाए तो सम ऑड तो भाया एक ही तरीके से आ सकता है, एक इवन नंबर चुनो एक ऑड नंबर चुनो। 20 नेचुरल नंबर में कितने इवन है? 10। कितने ऑड है? 10। एक इवन चुन लो एक ऑड चुन लो, खत्म। दूसरा देखो, अरे बहुत इजी चैप्टर है। टोटल दो नंबर चुनने के तरीके 20C2। अब की बार तुम चाहते हो सम इवन आ जाए तो देखो सम इवन वाली हरकत दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों ऑड चुनो या दोनों इवन चुनो। टोटल ऑड नंबर कितने हैं? 10। टोटल इवन नंबर कितने हैं? 10। तो दो ऑड चुन लो या दो इवन चुन लो, बस खत्म, सिंपल। भाई जहां पर केस होगा केसेस जोड़ लीजिए। क्या बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखो, क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेंट। ओके, इधर देखो, अ लीप ईयर इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल पॉसिबल लीप ईयर्स। एक लीप ईयर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज the probability that it has 53 Sundays and 53 Mondays? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो 366 को अगर अपन देखें तो 7 × 52 प्लस 2 के बराबर होता है। देखो 7 × 14 735, 364। ये चीज निकल के आ गई 364। यानी लीप ईयर में 52 हफ्ते तो होंगे ही, यानी 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे सब मिलेंगे। दो दिन एक्स्ट्रा में है। अब ये दो दिन लगातार ही होंगे, ऐसा तो नहीं एक मंडे हो गया एक फ्राइडे हो गया। तो दो दिन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे,
वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। लीप ईयर के बाकी दो दिन के टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 7। हम चाहते हैं 53 संडे भी हो, 53 मंडे भी हो, तो एकलौता यही फेवरेबल है, तो 1/7। लीप ईयर में 366 डेज हैं, तो 52 हफ्ते हो गए, तो 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूजडे, सब 52 बच गए दो दिन, वो दो दिन लगातार ही होंगे, तो समझ ही सकते हैं लॉजिकली। तो यानी बचे हुए दो दिन की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 7। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 7। उनमें से कितनी हमको फेवर कर रही है? 1। तो आंसर आ गया 1/7। कॉपी कर लो। इसमें तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। सवाल देखिए, तो एक सवाल है, 7 persons आर asked अबाउट their डे ऑफ बर्थ। 7 लोगों को उनकी डे ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया, संडे की, मंडे की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, डे ऑफ बर्थ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ देम हैव सेम डे ऑफ बर्थ? क्या संभावना है कि एग्जैक्टली 4 लोगों की सेम डे ऑफ बर्थ हो? पहले टोटल लिखो, पहले आज पास कितनी चॉइस है? 7। दूसरे के पास भी 7, 7, 7, 7, 7, 7। यह आ गया टोटल, क्या क्लियर सब बच्चों को? ये टोटल पॉसिबिलिटी है। अब चाहते 4 लोगों की सेम डे ऑफ बर्थ, बहुत आसान, 7 में से कोई 4 लोग चुनू, उनको 7 में से कोई एक दिन दे दो, तो 4 लोगों की सेम डे ऑफ बर्थ हो गई, और वो दिन तो चला गया एग्जैक्टली 4। अब वो दिन 5वें, 6वें, 7वें को नहीं दे सकते, बचे कितने दिन? 6। बचे कितने लोग? 3। पहले वाले के पास भी 6 चॉइस, दूसरे वाले के पास भी 6 चॉइस, और तीसरे वाले के पास भी 6 चॉइस। देखो टोटल और फेवरेबल को बिल्कुल अलग अलग सोचना है, साथ में ना सोचे। टोटल भाई वो क्या जवाब दे सकते हैं? पहला आदमी 7 में से कोई भी जवाब दे सकता है, दूसरा आदमी भी 7 में से कोई जवाब दे सकता है, तीसरा आदमी 7 में से कोई जवाब दे सकता है, तो टोटल जवाब जो मिल सकते हैं वो इतने हैं। फेवरेबल काम क्या? कि 7 में से कोई 4 लोग चुने, उन्हें एक दिन दे दिया। बचे कितने दिन? 6। बचे कितने लोग? 3। तो पहला आदमी 6, दूसरा आदमी 6, तीसरा आदमी 6, तो एग्जैक्टली 4 लोगों का एक ही डे ऑफ बर्थ आएगा। क्या बात समझ में आई बच्चों को? एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ध्यान देखें, क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें ताकि बिल्कुल बात समझ में आए। देखो, 2 स्क्वायर्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 64 स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that they have a side in common? क्या संभावना है कि उनमें कोई साइड कॉमन हो? कॉमन सेंस, चेस बोर्ड है, आइए चेस सब बच्चों ने खेला हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बन गया चेस बोर्ड। टोटल 2 स्क्वायर चुनने के तरीके 64c2। अगर आपने डिनोमिनेटर लिख लिया तो 90% काम हो गया, और लाइन खींच दी तो 9% और हो गया, तो 99% डन। अब सिर्फ 1% पार्ट है कि आप न्यूमरेटर को लिख दीजिए। 99% काम अगर आपने कर लिया तो 1% तो मैं भी कर दूं। सुनो, अब अपने को 2 स्क्वायर ऐसे चुनने हैं कि उनके बीच में क्या हो जाए? साइड कॉमन। बिल्कुल फालतू दिमाग मत लगाओ, साइड कॉमन अगर है तो
तो या तो दोनों में हॉरिजॉन्टल साइड कॉमन होगी या दोनों में वर्टिकल साइड कॉमन होगी। हॉरिजॉन्टल साइड कॉमन होने के लिए पहली रो में कितने केस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी कितनी रोज हैं? 8। तो इस प्रकार के कितने जोड़े मिल सकते हैं? 7 × 8 जोड़े। प्लस अगर वर्टिकल कॉमन होना है तो पहले कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दूसरे कॉलम में भी 7, 7, 7, 7 × डाल गया आंसर। भाई या तो हॉरिजॉन्टल दो साइड या वर्टिकल में साइड कॉमन हो, तो हॉरिजॉन्टल में पहली रो में 7 तरीके से मिल सकता है, दूसरी रो में 7, तीसरी रो में 7, चौथी रो में 7, पांचवी रो में 7, 7 × 8 प्लस 7 × 8। क्या बात समझ में आई बच्चों को? एक और क्वेश्चन देखिए। 2 dices आर थ्रोन, आई 2 dice फेंके, 2 dices आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 8? कंसिडर 2 cases, number 1 dice is different, number 2 dice is alike। 2 dice एक साथ फेंकी गई, क्या संभावना है कि टोटल स्कोर कितना आ जाए? 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8 आ जाए। कैसे कैसे करेंगे सुनो, अगर 2 dice फेंकी गई तो टोटल कितने आउटकम होंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 2, 6, 3, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ये टोटल आउटकम लिख दिए। अगर ये आउटकम आता है तो स्कोर कितना बनेगा? 2। अगर ये आउटकम आता है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आप पहला केस लेते हो कि डाइसेस डिफरेंट है, जैसे एक व्हाइट कलर की डाइस है दूसरी ब्लू कलर की डाइस है, तो आप बता सकते हो कि व्हाइट पर 1 ब्लू पर 2 कि ब्लू पर 1 व्हाइट पर 2, तो 1 × 2, 1 अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही व्हाइट कलर की डाइस है तो किसी पर भी 1 आए किसी पर भी 2 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डाइसेज अलग अलग है तो टोटल 36 आउटकम होंगे। अगर डाइसेज अलग अलग है तो 36 आउटकम होंगे और आउटकम सम कितना? 8। 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया पहले वाले का। सेकंड केस, अगर डाइसेज अलाइक हैं, तो डाइसेज अगर अलाइक हैं तो देखिए आप कि जो डायगोनल के ऊपर का हिस्सा है 4, 5 हाँ सही है, यहां से छूटा, इसको लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि 1, 2, 2, 1 सेम हो जाएगा, 1, 3, 3, 1 सेम हो जाएगा, 1, 4, 4, 1 सेम हो जाएगा, 2, 4, 4, 2 सेम हो जाएगा। अगर डाइसेस अलाइक होंगी तो टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 और फेवरेबल आउटकम समाट आना चाहिए 3। देखो डाइसेज डिफरेंट हैं तो 1, 4, 4, 1 अलग अलग है, लेकिन अगर डाइसेज अलाइक हैं तो 1, 4, 4, 1 एक ही चीज है। क्या समझ में आया सब बच्चों को? कॉपी कर लीजिए।